नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक रेडियो हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड की बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एक भी मिनट मिस मत करना भाई। जैसे कि हर एंड्रॉयड फ़ोन में यार फीचर जो होता है ना, बहुत लिमिट कर दिया जाता है। जैसे आप फिंगरप्रिंट की बात कर लो, तो ज़्यादातर लोग जो है बस लॉक अनलॉक के लिए जो है फिंगरप्रिंट को यूज करते हैं। बट आज जो मैं इस वीडियो में फिंगरप्रिंट का अल्टीमेट फीचर बताऊंगा, कैसे जो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो है ऐप को ओपन करने के लिए यूज कर सकते हैं, और भी अलग अलग यूजेस। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या तो पहले सब्सक्राइब कर लो, और आपको साइड में एक घंटी का बटन मिलेगा, उसे भी दबा दो भाई, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। क्योंकि मैं इस तरह के सीक्रेट फीचर को और अनलिमिटेड फीचर को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, ये मैं बताते रहता हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक ऐप को ओपन किया, तो इस ऐप का डाउनलोड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली जैसे ही आप ओपन करते हो ना, तो आपको ये एक्सेसिबिलिटी के लिए बोलेगा इसे ऑन करने के लिए, इस फिंगरप्रिंट वाले ऐप को। तो आपको एक्सेसिबिलिटी में जाके इसे आपको ऑन कर देनी है। जैसे कि मैंने टर्न ऑन कर दिया, तो ये जो है कि सिस्टम से परमिशन लेता है कि हाँ, मैं आपके एंड्रॉयड में जो है आपके फ़ोन में कुछ अल्टीमेट फीचर को मैं इनेबल कर रहा हूँ, तो ये परमिशन लेता है। तो इसलिए इनेबल करना जो पहले ज़रूरी होता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे सिंगल टेप एक्शन दिया गया है। तो यार सोचो, जैसे आप किसी ऐप को सिंगल टेप करके ओपन करते हो, तो फिंगरप्रिंट को भी आप क्लिक्स के थ्रू जो है आप डिफरेंट ऐप को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक ऐप को जो है सिलेक्ट कर दिया सिंगल टेप में, कि अगर मैं फिंगरप्रिंट को एक बार क्लिक करूँगा तो कोई मेरा ऐप खुल जाएगा, पार्टिकुलर ऐप, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर दिया। वैसे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको ऐप सिलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ऐप सिलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे जैसे आप ऐप पे क्लिक करते हैं, अब मैं डबल टेप पे जा रहा हूँ, तो डबल टेप पे जैसे क्लिक करते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे ऐप आपको दिखता है, जितने भी आपके ऐप ड्रावर में इंस्टॉल्ड हैं। तो मैंने भी जो अपना मेरा फेवरेट एप्लीकेशन था, मैंने उसे सेट कर दिया डबल क्लिक में। तो इस तरह से आपको जो है स्वाइप डाउन का मिलता है, जैसे आप फिंगरप्रिंट पे जैसे आप उस पर टच करके नीचे तरफ करोगे या ऊपर तरफ करोगे, तो उसमें भी आपका कोई एप्लीकेशन खुलेगा, मतलब कोई नहीं जो आप सेट करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपने देखा कि मैंने क्लिक करके जो है रिसेंट ऐप को ओपन किया, जैसे सिंगल टेप में सेट किया था रिसेंट ऐप को, तो मेरा रिसेंट ऐप ओपन होता है सिंगल टेप में। ऐसे ही मैं आपको और भी जगह जाके दिखाता हूँ। जैसे सेटिंग से मैं फिंगरप्रिंट को टच करके मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना चाह रहा था, तो मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर दिया। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है भाई, आपको कोई भी कंपनी का जो फ़ोन होता है ना, वो कभी नहीं आपको बताएगा कि आप ये कर सकते हो अपने फ़ोन से। तो ये सब जो है सीक्रेट सेटिंग होती है, छुपी हुई होती है। जैसे मैंने फाइल मैनेजर को ओपन कर दिया फिंगरप्रिंट को डबल टेप करके, तो ये इंटरेस्टिंग फीचर को आप इनेबल करके आप जो है यूज कर सकते हो अपने फिंगरप्रिंट को। या शेयर करो और भी एंड्रॉयड यूजर के साथ, ताकि वो भी जो अपने फ़ोन का और भी मज़ा ले पाए, शॉर्टकट यूज़ कर पाए, अनलिमिटेड फीचर को इनेबल कर पाए। लेकिन यार, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यार सब्सक्राइब मारो, कैसे अगला वीडियो देखोगे यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।